गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं पहाड़ी पैराडाइज के साथ। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और रंजना आप देख सकते हैं बिल्कुल हरकत में। दोस्तों यहाँ पे चाय बना दी है आज और अत्ता उठते ही दगड़ियों राजमाला चढ़ाया। अगर पापा यहाँ एक आध महीना रुक जाते ना, ये राजमा आ जाती नहीं आती। आज हम अपने बॉजी को खिलाएंगे राजमा चावल रंजना के हाथ का। हमारी स्पेशलिटी है वो। ठीक ठाक नहीं देखा दिया चाह पाड़े गयो खान पीन बड़ा पाट बड़ा आने साग बड़ा आपको राजमा दे जाना चोर में सीट उड़े आयो राजमा भात बड़ा बच रही है। दगड़ियों फुल बागवान वाली फीलिंग आ रही है यार। उसमें वो क्या कहते हैं हेमा मालिनी एसटीडी बूथ पर जाके अमिताभ बच्चन से बात करती है और रोती है। से भी बौजू के साथ हो रहा है। इधर है वहां बौजू है यार। सौर जो अंगूर भलमानी का भाई बेही रंजना 1 किलो अंगूर ले लाया। घर की याद तो नहीं आ रही है। भी तो गरीब हुआ। परफेक्ट ग्रेवी परफेक्ट कलर परफेक्ट स्वाद आया है नहीं आया पता नहीं। हो गया तू भी खा। हाँ हाँ खाते हैं। हाँ आराम से खाना शर्माना मत। हाँ हाँ अपना घर समझ गया। बढ़िया हो रहे शर्माना मत। हाँ मुंशियारी की राजमा उनका बहुत अच्छा टेस्ट है। अब चंपा को भूख लगाने की बारी। चंपा चंपा हल्द्वानी की डिंपू। तो दोस्तों खाना वाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं भेंटघाट करने के लिए थोड़ा सा सामान वामान पहुंचाने के लिए। खाना अपने घर खाना बस सामान वहाँ पहुँचाऊंगा। बच रही है यहाँ। तो दोस्त ताऊजी लोग के वहाँ पहुंच गया। ताऊजी ने यहाँ पे आप देखिए हमारे आने की खुशी में अपना काम लगा दिया है। दोस्तों कुछ खजाना वजाना निकला खोदने में नीचे कितना टाइम हो गया लगाए हुए। एक महीना हो गया। एक महीने से 23 तोड़ फोड़ में दिक्कत होती है ना। 23 जनवरी से बुक किया था। 23 ऊपर छत में भी घर लगा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से बीम दे रखे हैं। 1993 में ये मकान बना था तो इस वजह से ये कॉलम डालने पड़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि उसमें ऐसा ढांचा नहीं बनता होगा। खाली दीवार दे दी ऊपर लेंटर डाल दिए। हाँ घरों की तरह। हाँ होता था हमारे यहाँ दे दीवार से दीवार दे दी बीच में ऊपर छत डाल दी। ऊपर अगर बनाना है तो छत का लोड नहीं पड़ेगा। हाँ बीम टिकने वाला था इस वजह से तोड़फोड़ करनी। तोड़फोड़ अगर पहले भी हुए होते तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती अभी। ये ऊपर से ही उठता सीधे नीचे से पहले भीम जो होते तो फिर तो सीधा ही होता। अभी तक ऊपर लैंडर पड़ गया होता। वही वही लैंडर पड़ गया होता। कहीं गेट खोलती काटने दे। बुआ नमस्कार। हमारी बुआ महलू में रहती है दोस्तों। ये देखो हमारी बुआ ये वो जैसे शाहरुख खान लाता ना हाथ ऐसी बुआ भी ला रही है वहां से। और नीचे भिंजू है। भिंजू हमेशा बुआ से दबके ही रहते हैं इसलिए नीचे है। चल तेरा रिश्तेदार है। हम चल चल शाबाश। फूड बढ़िया लगना है पहले हमें ले विशाल में ले है कि टैंगो। ये बिराव की खासियत है दोस्तों इसके लिए मूछ मार के लाने पड़ते हैं। इसके मुंह के सामने रखते हैं फिर खाते की ये लीजिए स्पेशल माट हो दगड़ी। ये वाला माट में और मटन में यह प्रेशर न बढ़ता। महीने में कितने रुपए खर्चा होगा इसका बताओ। वो 1000 रुपए का राशन रखा जाता होता नहीं होता। इससे तो हमारी डिम्पू ठहरी है कुछ खाता है नहीं इसके अलावा। इसको तो कुछ भी दे दो। ये भोंकता ही नहीं पीपे जत्ती जा रहा भोंकना नहीं रही। तो दोस्तों मौसी मेंशन में पहुंच गया। रंगीली साई अपने क्यूट से बिल्ली। तो दोस्तों एक खुशखबरी देना तो मैं आपको भूल ही गया। हैंडसम एंड स्मार्ट मौसा जी ने नई गाड़ी ले ली है। यह आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विफ्ट खड़ी रहती थी दोस्तों। आज स्विफ्ट की जगह पर ग्रैंड विटारा खड़ी हुई है ब्लू कलर की। बहुत ही अच्छी लग रही है। कितनी फर्स्ट क्लास गाड़ी लग रही है दोस्तों। तो हम मौसी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। मौसी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमेडियन पवन पहाड़ी। आप क्या क्या कहना चाहेंगे आप अपने पति के बारे में। मैं एक कहना चाहूंगी ऐसा पति सबको दे भगवान। आप बच रही है यहाँ। मैं अभी तक स्कूटी में घूम रहा हूँ मौसा जी। यहाँ देख रहे हो स्विफ्ट के बाद ग्रैंड विटारा भी ले आए। और ये है क्राफ्टी गर्ल वैष्णवी। ये है मोबाइल एडिक्शन भाई। एक दिन में कितने घंटे मोबाइल चलाते हो। 10 घंटे जितने घंटे होते। तो दोस्तों आप देख रहे अजीब सी हरकतें करता है
अजीब सी हरकत है, ये मोबाइल एडिक्शन नाम की बीमारी से ग्रसित है। और देखिए, और कोई डॉक्टर हो तो सजेस्ट करें, इसके दांत भी बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं थोड़े दिनों में इसके दांत देवल चौड़ पहुंचने वाले। ठीक करा दो फिर, तो मोबाइल ठीक कर अपना, ये सब ठीक हो जाएगा अपने आप ही। दांत कैसे अंदर को जाएंगे बताए, बानर के भील में दांत काटा कर, अंदर को चले जाएगा। बाय गॉड, हाँ एक मेरा दोस्त था, उसने किया था ऐसा, उसके दांत बिल्कुल सही हो गए। फार्मा कुछ क्या लगा रहा है, बड़ा मजा आता है यार। ये बरमान में से झन्न पड़ती है ना, आंख टिपी जाती है यार ऐसे। सातवें आसमान में क्या बोलते हैं उसे, चरम आनंद वो प्राप्त होता है भाई, लेकिन इसको फसाना पड़ा है। तो दोस्तों आज का जो खाना है वो हमारी बड़ी मामी के वहाँ है, हॉट केस ही रख दिया है सामने, आप देख सकते हैं, खाते जाओ पीते जाओ। ये आप देखिए, चुपड़ी हुई रोटियां है, दही है, लौकी की सब्जी है, हरी सब्जी है और हरी खुशियाँ है दगड़ी। तो हम यही खा के जा रहे हैं और उसके बाद हम अपने पहाड़ी पैराडाइज को जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मामू की हवेली में डिनर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं पहाड़ी पैराडाइज में, और आप देख सकते हैं पहाड़ी पैराडाइज की जो परी है वो अभी अपने काम में लगी हुई है दोस्तों, और परा यहाँ पर उछल उछल के ब्लॉग बना रहा है, और परा के पापा वहाँ अपना ब्लॉग देख रहे हैं, उनके नाम मैंने एक मोबाइल कर दिया है।